वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेज। आज हम देखेंगे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और टेट में आने वाले क्वेश्चनों को। आज का हमारा टॉपिक है काम और समय, वर्क एंड टाइम। देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है, हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। M1 इंटू D1 अपॉन W1 M2 इंटू D2 अपॉन W2। इसी तरह के फार्मूले से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। दिया है यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं तो इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। पहले हैं 45 आदमी, दिन है 12 और फिर हो गए 30, तो दिन बताने हैं। 15 दुनी 45 दो से इसको कर दें, 2 6 12, तो DT की वैल्यू आ जाएगी 6 3 18। ये आपका आंसर हो जाएगा, 18 दिनों में कंप्लीट होगा वर्क। समान क्षमता वाले 21 पंप किसी हौज को 32 दिन में भर सकते हैं, उस हौज को 28 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगाए जाएं। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, अब आदमी की जगह पर यहाँ पर पंप हो गए हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 गुणे दिनों की संख्या 32 बराबर उस हौज को 28 दिनों में भरने के लिए। अब दिन दिए गए हैं और आपको पंप बताने हैं, तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं x। अब इसको सॉल्व कर लें, 7 3 21 7 4 28 4 8 32, तो x की वैल्यू आपकी 24 आ जाएगी। इसमें भी हमने इसी फार्मूले का यूज किया है। आज देखते हैं कुछ और क्वेश्चन वर्क एंड टाइम के। बार बार क्षमता के 15 पंप बराबर क्षमता के 15 पंप 7 दिनों में एक टैंक भरते हैं, 5 दिनों में ही टैंक को भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगाए जाने चाहिए। फार्मूला वही रहेगा आपका, तो इसमें आपका हो जाएगा 15 पंप, तो 15 पंप जो है 7 दिनों में एक टैंक को भर सकते हैं, 15 पंप 7 दिनों में एक टैंक को भर सकते हैं, तो 5 दिनों में ही टैंक को भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगाने पड़ेंगे x माना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15, तो आ गया 7 3 21, x बराबर आया 21। अब यहाँ पर आपको बताना है अतिरिक्त पंप कितने पंप एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तो 21 पंप में से 15 पंप आप माइनस कर देंगे तो आपको अतिरिक्त पंप लगाने पड़ेंगे 6। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आप किसी भी कंपटीशन को नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं काम समय में। 36 आदमी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, उसी काम को 27 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसके लिए करेंगे 36 गुणे 18 आदमी गुणे दिनों की संख्या, फिर वही काम दोबारा, फिर करेंगे उसी काम को 27 आदमी, फिर आदमी गुणे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या को D2 मान लेते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करें तो हम दूसरे तरीके से इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, 36 गुणे 18 बटे 27, 9 से काट दें 9 3 27, 9 2 18, 3 से फिर इसको काट दें, 3 1 3 3 2 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 2 24, 24 दिन आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 10 व्यक्ति 10 काम 10 दिनों में करते हैं तो एक व्यक्ति एक काम कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 10 व्यक्ति, तो इसके लिए फार्मूला होगा M1 इंटू D1
अपॉन डब्लू वन इजक्वल टू एम टू इंटू डी टू अपॉन डब्लू टू। इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एम वन है 10, आदमी कितने हैं 10, दिन कितने लग रहे हैं 10, कार्य कितना हो रहा है 10 दिनों में, फिर तो एक व्यक्ति एक काम को कितने दिनों में करेगा, तो इसके लिए 0 से 0 कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा डी टू इक्वल टू 10 दिन, यानी कि 10 दिन उसे लगेंगे सॉल्व करने, मतलब कि काम को करने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 36 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 18 दिन में करते हैं, 27 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त कर लेंगे उस काम को। तो इसमें 36 आदमी 4 घंटे, तो ये हो जाएगा आपका 36 आदमी 4 घंटे काम करते हैं तो 18 दिन लगता है, फिर 27 आदमी 6 घंटे अगर काम करेंगे तो दिन कितने लगेंगे। तो इसके लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं या थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 36 गुणे 4 गुणे 18 बटे 27 गुणे 6, तो 36 तीन से काट दें, 3 दुनी 6, 3 नवा 27, सॉल्व कर देते हैं 9 दुनी 18। अब ऊपर बचा 2 चौको 8, 8 दुनी 16, तो आपके दिन आएंगे 16 दिन आपका आंसर आएगा, यानी कि वो सब मिलकर के 16 दिनों में उस काम को पूरा कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक निश्चित काम को 24 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तो 10 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके पहले की अपेक्षा 3 गुना काम कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। 15 मजदूर 5 घंटे काम करते हैं, 15 मजदूर 5 घंटे काम करते हैं तो 24 दिन लगता है उनको एक गुना काम कर पाते हैं, फिर 10 मजदूर 6 घंटे काम करेंगे, काम करके पहले की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा काम करते हैं, तो आपको निकालना है दिनों की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से काट दें, 5 दुनी 10, 3 से यहाँ काट दिया, 3 दुनी 6, फिर 2 से काट दें 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि डी टू जो है 15 छक्का 90 दिन आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 मजदूर किसी काम का 3/5 भाग 16 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो 8 मजदूर शेष बचे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसके लिए क्या करेंगे, 24 मजदूर 16 दिनों में समाप्त करते हैं 3/5 काम, फिर 8 मजदूर शेष काम को समाप्त करते हैं 2/5 दिन में, तो इसको सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा, यहीं से क्रॉस कर दें थोड़ा सा, 8 दुनी 16 हो जाएगा, अब ऊपर हो जाएगा 24 दुना 48 और ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा 3/5 बराबर, ये हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा इसमें भी डी टू 2, 5 से 5 कैंसिल, 3 से इसको क्रॉस कर देंगे ये हो जाएगा 16, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टू की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 32 दिनों में ये काम कंप्लीट कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, जिसने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब इस पर NTPC रेलवे ग्रुप डी SSC वगैरह सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन है हमारा, 12 मजदूर किसी काम का 40% भाग 5 घंटे प्रतिदिन करके 18 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तो 18 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन। 12 मजदूर किसी काम का 40%, तो ये आपका हो जाएगा 5 घंटे काम करके 18 दिनों में समाप्त करते हैं काम का 40%, फिर ये हो जाएगा इसमें, फिर 18 मजदूर 4 घंटे काम करते हैं प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे,
हो जाएगा डी टू। आपका बचा हुआ वर्क कितना है, 40% वर्क हो चुका था, 60% वर्क बचा हुआ है। 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 6 से क्रॉस करेंगे, 6 3 18, 4 3 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 6 18। तो आपका जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 5 15, 15 6 90, और ये 4 नीचे आ जाएगा डी टू बराबर, ये हो जाएगा 4, तो इसको क्रॉस करेंगे तो 2, ये हो गया 45। यानी कि डी टू का मान आपका आएगा, यहाँ पर बचा आपका 45। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 22 सही 1/2 दिन, यानी कि 22.5 दिनों में वो कार्य को समाप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वह काम 10 दिन में पूरा हो जाता। आरंभ में कितने आदमी थे ये हमें बताना है। तो इसमें हम मान लेते हैं आदमी थे, माना आदमी थे बराबर n, तो n थे 60 दिन में करते थे। अब 8 ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि n में 8 ऐड कर देंगे, 8 ज़्यादा हो गए हैं, तो 10 दिन कम में काम होता है, तो 10 दिन कम में काम होता है, तो 60 से 10 निकल गए तो बचे 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा 6n बराबर 5n प्लस 5 8 40। अब ये 5n इधर आएगा तो ये हो जाएगा n, ये सॉल्व कर देता हूँ, 6n माइनस 5n इक्वल टू 40। तो यहाँ पर अब आपका हो जाएगा n बराबर 40, यानी कि पहले जो थे 40 आदमी काम कर रहे थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है ये, आप ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। किसी भी कंपटीशन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य 24 दिनों में पूरा किया, पूरा करने को सोचा, लेकिन आरंभ से ही 8 व्यक्ति अनुपस्थित पाए गए और तब काम 30 दिनों में समाप्त हुआ। आरंभ से कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह करेंगे। हमने माना कि n आदमी काम पर लगाए गए थे और दिन लग रहे थे 24 लग रहे थे, 24 दिनों में काम करने के लिए सोचा गया था। अब उसमें से 8 आदमी जो है पहले से नहीं आए, तो अब 30 दिनों में समाप्त करना है कार्य को। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 5 30, हो जाएगा 4n इक्वल टू 5n माइनस 5 8 40, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 5n इक्वल टू माइनस का 40, फिर ये हो जाएगा माइनस का n और ये माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि आदमियों की संख्या आपकी आई 40 दिन, यानी कि 40 आदमी जो है काम को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 25 व्यक्ति 28 दिनों में 450 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो 35 दिनों में 540 किलोग्राम चावल खाने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। तो इसमें करते हैं 25 व्यक्ति जो है 28 दिनों में 450 केजी चावल खा लेते हैं, तो 35 दिनों में कितने व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर हम मानेंगे M2, ये हो जाएगा 540, 0 से 0 कैंसिल, फिर 9 से 8 दिन, 9 5 45, 9 6 54, 5 25। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा M2 इक्वल टू, ये आएगा M2 इक्वल टू 5 × 28 × 6/35। अब इसको देखते हैं सॉल्व करें, 5 7 35 7 4 28, यानी M2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 6 24, 24 आदमी चावल को खाने के लिए पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ आदमी 15 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार को 18 दिनों में बनाते हैं, उतने ही व्यक्ति 5 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर ऊंची दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे।
तो इसमें हम मानते हैं कुछ आदमी यानी कि एन आदमी 15 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी 18 दिनों की बात है, तो एन गुड़े 18, उसके बाद में लंबाई है 15, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 6। इसी प्रकार से दोबारा वाला कर लेते हैं, उतने ही व्यक्ति यानी कि व्यक्ति जो हैं समान हैं। उसके बाद 5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची दीवार कितने दिनों में बना लेंगे, 20 मीटर लंबी, इसमें क्वेश्चन में छूट गया है 20 मीटर लंबी, तो ये आपका हो जाएगा 20 मीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा, और इसमें दिन बताना है, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 से 15, 3 से 3 कैंसिल, 6 से 18 और एन से एन कैंसिल, तो D2 की वैल्यू जो आई आपकी वो आपकी आ जाएगी, यहाँ पर 2 बचा हुआ है तो यह जाएगा 3 × 2, तो D2 का मान जो है वो 6 दिन